हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मधुमक्खी, ततैया, हड्डे, भौरे आदि के दंश, जो हमारा गत अंतर सिलेबस पॉइंट 9 है। इसी की हमारी ये वीडियो है। इसमें क्या है बेसिकली हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले अगर किसने मेरे चैनल बीएमएस लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो। लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। मधुमक्खी, ततैया, हड्डे, भौरे आदि के दंश, इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल और इजी ट्रिक्स के साथ। क्या है देख लेते हैं। मधुमक्खी, ततैया, हड्डे, भौरे आदि के दंश में परिचय। दंश बड़ा ही कष्टदायक होता है। कैसा होता है? बहुत ही कष्टदायक होता है। दंश स्थान में सूजन और लाली आ जाती है। क्या हो जाता है दंश स्थान में? सूजन और लाली आ जाती है। तीव्र दाह और वेदना होती है। क्या होगी इसमें? तीव्र दाह और वेदना होती है और सिर चकनाने लग जाता है। क्या होगा इसमें? एक बड़ा ही दंश बड़ा ही कष्टदायक होता है, ठीक है। सूजन और लाली आ जाती है, जैसे कभी भीड़ काट जाती है तो वही है ये। तो इसमें क्या होगा? सूजन और लाली आ जाती है, तीव्र दाह होगी, वेदना होगी और सिर चकराने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आती है चिकित्सा। डंग को नाखूनों या चाकू की नोक के सहारे निकालना चाहिए। कभी भी इसको दबा के नहीं निकालना चाहिए, याद रखना है। कभी भी इसको दबा के नहीं निकालना हाथ से, इसको हमेशा नोक वाली चीज से ही निकालना है, नाखून या चाकू से, ठीक है। तीव्र ग्राही प्रतिक्रिया के लक्षणों में आपको क्या करना है? अगर ज्यादा ही ये फैल जाता है तो आपको क्या करना है? बृहद योगराज गुगलू या शीर्षुलादि वज्र रस या शीर्षुलादि लेप का प्रयोग आप इसमें कर सकते हो। आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें सिर चकराने लग जाता है ना, तो आप कैसे याद रखना है? शीर्षुलादि वज्र रस और शीर्षुलादि लेप का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। लेप और भी बता रखते हैं, जैसे घी, सेंधव लवण और तुलसी के पत्तों को एकत्र पीसकर आप लेप कर सकते हो, या फिर आग का दूध, या फिर दशांग लेप, या एल्कोहल। सुन अभी होगा, कभी भीड़ काट जाती है तो पेट्रोल लगा देते हैं, पेट्रोल या एल्कोहल या स्पिरिट, ठीक है, या फिर ताजा गोबर आएगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट इसका क्या है? कैसे याद रखेंगे? इसके अंदर एड्रिनालिन और प्रेडनिसोल देते हैं। आपको याद रखना है कि जो भीड़ होती है वो अकेली फिरती रहती है, अकेली फिरती रहती है। ए से एड्रिनालिन 0.5 ml फिरती रहती है, प्रेडनिसोलोन 20 mg, ठीक है। इतना सही टॉपिक है हमारा, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मधुमक्खी, ततैया, हड्डे, भौरे आदि के दंश में क्या आएगा? इसका जो दंश होता है बहुत कष्टदायक होता है, लालिमा आती है, सूजन होती है, तीव्र दाह और वेदना होती है, सिर चकराने लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें चिकित्सा बता रखी है कि वैसे इसको हाथ से नहीं निकालते, नाखूनों या चाकू की नोक के सहारे इसको निकालना चाहिए, इसके डंक को, ठीक है। और अगर तीव्र ग्राही होता है तो उसमें आपको क्या करना है? शीर्षुलादि वज्र रस, शीर्षुलादि लेप का प्रयोग आप इसमें कर सकते हो। लेप के निम्न योग और क्या बताए? जैसे घी, सेंधव लवण, तुलसी के पत्तों को एकत्र पीस कर लगा सकते हो, या फिर आग का दूध लगा सकते हो, ताजा गोबर लगा सकते हो, दशांग लेप लगा सकते हो, या फिर एल्कोहल, स्पिरिट, या फिर पेट्रोल लगा सकते हो, ठीक है। मॉडरेट ट्रीटमेंट क्या है? एड्रिनालिन 0.5 ml और प्रेडनिसोलोन 20 mg। और भी जैसे मूषक विष, लूता विष और अलर्क विष की वीडियो भी मैंने डाल दी है, अगर किसने नहीं देखी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। विद सिंपल एंड इजी ट्रिक्स मैंने उसमें पढ़ा रखा है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो, देख लेना, ठीक है। फिर आपका सिलेबस पॉइंट 9 कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें वृश्चिक विष है जो अलग से, वो उसकी वीडियो में नेक्स्ट डाल दूंगी। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय